हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका करंट अफेयर्स लेक्चर 4। ओके, आई होप यू हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रीवियस करंट अफेयर्स लेक्चर्स एंड ऑल अदर लेक्चर्स दैट आर बीइंग अपलोडेड। सो आज आपका पहला टॉपिक है, काफ़ी नोन टॉपिक है, दैट इज़ लॉकडाउन एक्सटेंडेड। ओके, सो करेंटली वी आर इन लॉकडाउन फेज 2, ओके, और लॉकडाउन 2.0। अब क्यों ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है? हमको पता है कि जो कोरोना वायरस है, इसके जो COVID-19 के जो केसेस की जो नंबर्स थे वो बढ़ते जा रहे थे। ओके, और अगर 21 दिन के बाद भी जब नंबर बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के बाद अगर लॉकडाउन खोल दिया जाता तो दैट कुड हैव टर्न इन टू एडवर्स इफेक्ट। ओके, सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लॉकडाउन टिल May 13। ओके, अब देखिए फ़र्क क्या होगा। लॉकडाउन फर्स्ट फेज जो था, हाँ, पूरी तरह से लॉकडाउन, मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या दुकानें जो नॉन एसेंशियल चीज़ों की दुकानें हैं वो बंद थी। ओके, लॉकडाउन पार्ट टू में, क्योंकि इकोनॉमी को भी अपने को साथ साथ चलाना है, तो लॉकडाउन फेज टू में फ्रॉम द 20 अप्रैल, ओके, 20 अप्रैल से जो ग्रीन जोन है, ओके, तो वहाँ पे कुछ कुछ टेक्नीशियन जो है, प्लम्बर जो है, और जो हाईवेज को ओपन कर दिया जाएगा। ओके, अब देखिए गवर्नमेंट ने इसके लिए 3 जोन बनाए, दैट इज़ रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन। ओके, रेड जोन मतलब जहाँ पे हॉटस्पॉट है COVID-19 के, एंड ग्रीन जोन विच इज़ कंपैरेटिवली सेफ, जहाँ पे COVID-19 का कोई भी केस नहीं है या केसेस बढ़ नहीं रहे हैं। ओके, तो उसका डिसीजन लिया जाएगा आफ्टर 20 अप्रैल। ओके, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर ने 14 अप्रैल को आके टीवी पे अपने नेशन वाइड एड्रेस में ये बोला था कि भाई हम लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। ओके, बट प्राइम मिनिस्टर के बोलने से तो रूल नहीं बन जाता, उसको रूल कोई ऑफिशियल पेपर पे लिखा होना चाहिए, एंड दैट एडवाइजरी और दैट ऑर्डर हैज़ बीन इश्यूड बाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ इशूड एन ऑर्डर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. The order has directed the chairman of the National Executive Committee, okay, that existing lockdown measures be continued to be implemented in all parts of the country till 3rd of May 2020. Okay, the order is in response to the Prime Minister's announcement that the lockdown measures imposed to contain the spread of COVID-19 pandemic would have to be extended till May 3, 2020. The Ministry of Home Affairs has issued the order to all states and union territories that the extension of lockdown, all restrictions have been imposed in various sectors and on various activities will continue to remain in force. Okay, so jaisa lockdown 1 mein tha waisa hi lockdown 2 mein hoga, sirf kuch jo fields hai wahan pe aapko chhoot di jayegi. The first set of such guidelines to be followed by states for containment of COVID-19 pandemic was issued on March 24, 2020, जब से हमारा 21 दिन वाला लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। ओके, अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, ओके, वो पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, पहली बार भारत में इन्वोक किया गया है। ओके, द डीएम एक्ट 2005 इज अ नेशनल लॉ दैट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर द एंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट एज अफेक्टेड बाय अ डिजास्टर एंड टू मेक प्लान्स फॉर मिटिगेशन टू रिड्यूस रिस्क इम्पैक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर। ओके, तो प्रॉम्प्ट जो डिसीजन लिए जाने चाहिए उसका सारा जो पावर है वो किसको दे दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ओके, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई टसल ना हो। ओके, तो सारी पावर दे दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। COVID-19 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल डिजास्टर। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द डीएम एक्ट 2005 टू असिस्ट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस। ओके, तो 2005 का जो डीएम एक्ट था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंडर में, अंडर द सेक्शन 8, ओके, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। यूनियन होम सेक्रेटरी इज एन एक्स ऑफिशियो चेयर पर्सन, जो यूनियन होम सेक्रेटरी है जिसको हम बोलेंगे केंद्रीय गृह सचिव। ओके, तो केंद्रीय गृह सचिव जो है उसके एक्स ऑफिशियो
चेयरपर्सन होंगे। ओके, तो इसका नाम आपको मुझे बताना है कि भाई अभी इस पोस्ट पे कौन है। ओके, वो कोई आईएएस ऑफिसर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो वो कौन है वो आपको मुझे बताना है। एनईसी हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एज द कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पूरे देश में कोऑर्डिनेटर और मॉनिटरिंग का काम कौन करेगा? एनईसी करेगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो एक तरीके से जो अपनी डिजास्टर अथॉरिटी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको ही एक तरीके से सपोर्ट करेगा। ओके, उसका हेड बन के काम करेगा। द कोऑर्डिनेट मॉनिटरिंग बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू प्रिपेयर अ नेशनल प्लान, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, सो एनडीएमए इज एन अपेक्स स्टेचुटरी बॉडी। वाई स्टेचुटरी बॉडी? बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डीएम एक्ट। ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसको 2005 में इंक्लूड किया गया बाय द एक्सटर्नल एक्ट, बाय क्रिएटिंग एन एक्ट। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज एन स्टेचुटरी बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द एनडीएमए वॉज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 27 सेप्टेम्बर 2006। ओके, सो इसको फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ? ये 27 सेप्टेम्बर 2005। इन अकॉर्डेंस विथ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 विथ द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन। तो आपको ये दोनों का याद रखने का, एनईसी के चेयरमैन कौन होंगे और एनडीएमए के चेयरमैन कौन होंगे। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होंगे एज अ चेयरपर्सन। ओके, और उसके अदर्स मेंबर्स में कौन होंगे? 9 अदर मेंबर्स होंगे उसमें। ओके, 9 अदर मेंबर्स, जिसमें कौन इंक्लूडेड होगा? वेरियस कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं या जो अलग अलग फील्ड के। ओके, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं। ओके, वो इसमें हो सकते हैं। ओके, एंड वन सच मेंबर्स टू बी डेजिग्नेटेड एज वाइस चेयरपर्सन। ओके, मैंडेट क्या है उसका? इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिजास्टर रेजिलियंसी एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स। इट इज ऑल्सो अपेक्स बॉडी टू ले डाउन पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू एंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स। विजन टू बिल्ड अ सेफर एंड डिजास्टर रेजिलियंट इंडिया बाय अ होलिस्टिक प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स एंड फॉस्टर्स अ कल्चर ऑफ प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। वैसे जब भी कोई डिजास्टर अगर आता है कंट्री में, तो हम उसके लिए कितना प्रिपेयर है? ओके, कितना प्रॉम्प्टली उसको हम हैंडल कर सकते हैं, कितना इफेक्टिवली हम उसको हैंडल कर सकते हैं, और हमारे सिटीजन को कितना इफेक्टिवली हम बचा सकते हैं। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आज आप देख रहे हो कि आरोग्य सेतु ऐप, सहयोग ऐप, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट इतने दिनों में गवर्नमेंट ने रेडी कर दिए है कि ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कतें ना हो। ओके, सो दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। ओके, नाउ नेशनल टॉपिक इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स 2020। ओके, नाउ यू आई अज्यूम दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप एंड जायद क्रॉप। ओके, हम आगे देखेंगे उसकी डिटेल क्या है। ओके, तो देखिए, मैंने जैसे कहा कि इकोनॉमी तो अपनी चलनी चाहिए, और जैसे अपने को पता है कि इंडिया इज अ कंट्री विच इज़ अ फार्मिंग सेंट्रिक कंट्री। ओके, तो अगर हम अपने फार्मिंग सेक्टर जो है, ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, उसको अगर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो इवन इफ मान लीजिए कि आने वाले 2 महीने में अगर कोविड-19 का जो सीनारियो है वो ख़त्म हो जाता है, बट अगर हमने अभी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया, तो ये पेंडेमिक के बाद हमारे लिए और फूड इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं, और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। इसीलिए गवर्नमेंट धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको काफ़ी छूट छाट दे रही है। ओके, विथ दी कंडीशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। ओके, क्योंकि अगर आपके अनाज या लेंटिल्स जो है वो अगर मार्केट में आएगा ही नहीं, तो काफ़ी लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फूड इमरजेंसी जैसे हालात क्रिएट हो जाएंगे। एंड दैट्स वाई रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हेल्ड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स 2020 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, कोई फिजिकल कॉन्फ्रेंस नहीं हुई,
जो जो भी बातें करनी थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रिलेटेड कंसर्न्ड पीपल के साथ, कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज के साथ, कंसर्न्ड अथॉरिटीज के साथ कर दी गई है थ्रू दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, और बेसिकली उसका क्या आइडिया था? टू डिस्कस वेरियस इश्यूज एंड लिस्ट आउट स्टेप्स इन कंसल्टेशन विद स्टेट्स अबाउट प्रिपेयर्डनेस फॉर खरीफ कल्टिवेशन इन व्यू ऑफ लॉकडाउन सिचुएशन। ठीक है, लॉकडाउन में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तो रुक नहीं सकता, तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो इनके साथ जुड़े हुए वो लोग COVID-19 का स्प्रेड ना करें या उनको COVID-19 का उनको COVID-19 ना हो जाए। ठीक है, तो वो अपने को वो भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना है। ओके, सेकेंड टॉपिक क्या था? टू टेक अप डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम्स बाई 2022। 75 जो एनिवर्सरी हो रही है अपनी इंडिपेंडेंस की। ओके, तो उसका मोदी गवर्नमेंट का एम क्या है कि भाई फार्मिंग की, फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल करना है थ्रू वेरियस मीन्स। ओके, और इसके लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लाई गई है, अपने को पता है। तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, इस जो लॉकडाउन है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी अपने पास चल रही है, उसका असर फार्मर्स पे नहीं होना चाहिए। ओके, टू अर्ज स्टेट्स टू एक्सप्लेन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को फसल बीमा योजना के लिए एनरोल करना चाहिए। एंड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है जो गुजरात में काफ़ी सक्सेसफुल हुई है, कि किस प्रकार की अगर ज़मीन में किस तरीके का आपको क्रॉप उगाना चाहिए। ओके, तो उसका ज़्यादातर फार्मर्स को पता नहीं होता, तो गवर्नमेंट टेक्निकली उनको हेल्प करेगी। ओके, टू इम्प्लीमेंट दी होम मिनिस्ट्री एग्जेम्पशन एंड रिलैक्सेशन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर वाइल एंश्योरिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने जो भी गाइडलाइंस दिए उसके हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर को छूटछाट मिलेगी, बट विथ कंडीशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स। ओके, टू स्टार्ट यूजिंग दी ई नेम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक्सटेंसिवली। ओके, अब ई नेम इट्स वन काइंड ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। ओके, जहाँ से फार्मर्स अपनी जो वर्क है वो ईजिली कम्प्लीट कर सकते हैं। ओके, द मेजर न्यू इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड इनकम ऑफ द फार्मर्स वर अप्रिशिएटेड। ओके, और ये कुछ ऐसी हाईलाइटेड जो योजनाएँ हैं, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो मैंने यहाँ पे दी हुई है। परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, ई नेम इनिशिएटिव, किसान सम्मान निधि, ओके, जहाँ पे आपको सालाना 6,000 रुपये फार्मर्स को दिए जाएंगे, किसान पेंशन योजना, आफ्टर 60 ईयर्स एक डेफिनेट अमाउंट दिया जाएगा एज अ पेंशन। ओके, एंड प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ओके, तो ये सारी ऐसी योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022। ओके, चलिए, और ये आपकी डिटेल्स है रिलेटेड टू रवि क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। ओके, चलिए, तो रवि क्रॉप का मंथ जनरली कौन सा होता है? सोनिंग का मंथ होता है अक्टूबर दिसंबर, एंड हार्वेस्टिंग का मंथ होता है अप्रैल एंड जून। ओके, तो जनरली जो सर्दियों में जो उगाए जाएंगे वो होते हैं आपके रवि क्रॉप, और गर्मियों में जो उगाए जाएंगे वो खरीफ क्रॉप। इन बिटवीन जो उगाए जाएंगे, रवि और खरीफ के इन बिटवीन का जो टाइम होगा, खाली टाइम होगा, वहाँ पे जो सीजनल फार्मिंग होगी उसको आप कहेंगे जायद क्रॉप। ओके, तो उसकी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दी हुई है, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वीट अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा क्रॉप है, तो देट विल फॉल इनटू रवि क्रॉप। ओके, राइस विल फॉल इनटू खरीफ क्रॉप। मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उरद, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन विल फॉल इन खरीफ क्रॉप। ओके, और यहाँ पे आपको ये सारे स्टेट्स दिए हुए हैं। ओके, तो देट यू नीड टू मेमोराइज। ओके, क्योंकि आपको सीधा पूछा जा सकता है, इवन GPSC 2019 में हमको प्रीलिम्स में ये पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन रिलेटेड टू रवि एंड खरीफ क्रॉप। ओके, एंड काफ़ी ईजी क्वेश्चन था वो। ओके, अगर ये टेबल आपको पता है तो भी आप सीधा सीधा उसका आंसर दे सकते थे। ओके, सो यू जस्ट नीड टू मेमोराइज दिस। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जूम एप्लीकेशन। ओके, सो करेंटली हमारे जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने एक एडवाइजरी इश्यू की है रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ जूम एप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज जूम एप्लीकेशन? तो जूम एप्लीकेशन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक एप्लीकेशन है। अब लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, दुनिया के लगभग हर एक देश में लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, ऑफिस बंद है,
तो उसकी वजह से क्या हुआ है, देखिए ऑफिस बंद है बट ऑफिस का काम बंद नहीं है, क्योंकि ऑफिस का काम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। सो दैट्स वाई जो मीटिंग पहले फिजिकली मीटिंग रूम में होती थी वो वर्चुअली जूम एप्लीकेशन पे हो रही है, क्योंकि जूम एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से आपको वो एटमोसफियर प्रोवाइड कर रहा है, आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकते हो, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी ईजी है। ओके सो इसीलिए काफ़ी एक एक्सपोनेंशियल सर्च देखने को मिला है इन द यूसेज ऑफ जूम एप्लीकेशन इन इंडिया एंड ओवरऑल ग्लोबली। ओके बट एक जो ग्लोबल रिपोर्ट थी कि भाई इसका डेटा जो है वो सिक्योर नहीं है, तो अगर आप कोई मान लीजिए कि कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर शेयर करते हो तो हो सकता है कि वो जूम एप्लीकेशन के जो सर्वर से वहाँ से वो लीक हो जाए और थर्ड पार्टी को वो इंफॉर्मेशन बेच दी जाए इन द एक्सचेंज ऑफ मनी। ओके सो ऐसा ना हो तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सारे स्कूल्स है जो ऑफिस है उनको एक एडवाइजरी इशू की है कि भाई आप करो बट थोड़ा संभल के थोड़ा देख दाख के ये एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी है। ओके रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैज़ इशूड एन एडवाइजरी दैट जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस इज़ नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म। ओके बहुत सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है। द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ओके विच इज़ नोन एज I4C और यू कैन से 14C। ओके I4C ऑफ द MHA इश्यूड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द सेफ यूजेज ऑफ जूम बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओके जूम हैज़ सीन एन एक्सपोनेंशियल राइज इन यूजेज ऑफ इंडिया एज ऑफिस गोअर्स रिमेन एट होम ड्यू टू द लॉकडाउन इम्पोज टू कर्व द COVID-19 पेंडेमिक। मैंने कहा ना कि ऑफिस बंद है, ऑफिस का काम बंद नहीं है, तो जो वर्चुअल मीटिंग है उसके लिए अभी ये जूम एप्लीकेशन यूज हो रही है। ओके ओवर 90,000 स्कूल्स अक्रॉस 20 कंट्रीज हैव स्टार्टेड यूजिंग इट रेगुलरली। तो देखिए कितने टीचर्स और कितने लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इसको यूज कर रहे हैं। ओके द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली मीटिंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन एट द एंड ऑफ दिसंबर 2019। ओके दिसंबर 2019 का जो नंबर्स थे वो कितने थे, पर डे 10 मिलियन। ओके जो कि अब हो गए हैं 200 मिलियन डेली। ओके इन मार्च 2020, तो देखिए कितना कितने ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, यू कैन इमेजिन। ओके इट हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय एवरीवन इंक्लूडिंग द सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्टर्स। ओके सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे लीक हो गई, ओके चाइना या अपने कोई राइवल कंट्री को, तो वो कितनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है दैट यू कैन इमेजिन। ओके सो जूम इज अ यूएस बेस्ड वीडियो कम्युनिकेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। दिस इज सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनी। ओके सिलिकॉन वैली इज इन एरिया है यूएसए में, जहाँ पे सारे सारे जो आईटी जायंट्स, ओके गूगल फेसबुक सारे बराबर, वो वहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो वहाँ से काम करती है। ओके दिस सिलिकॉन वैली। ओके एक चीज़ आपको मुझे बतानी है रिलेटेड टू सिलिकॉन वैली, विच सिटी इज नोन एज इंडियाज सिलिकॉन वैली। ओके इंडिया का सिलिकॉन वैली कौन सा है। ओके सो दिस सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनी अपीयर्स टू ओन 3 कंपनीज इन चाइना थ्रू विच एटलीस्ट 700 एम्प्लॉयज वर पेड टू डेवलप जूम्स सॉफ्टवेयर। ओके अब देखिए होता क्या है, एक्चुअली यूएस बेस्ड कंपनी है बट यूएस में अगर मैं 700 लोगों को काम पे रखूंगा तो मुझे वहाँ पे उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यूएस में जो वेजेस नॉर्म्स है, डेली वेजेस नॉर्म, वो वहाँ पे काफ़ी हाई रेट पे मुझे लेबर मिलेगा। अगर वही लेबर मैं हांगकॉन्ग या चाइना में लेने जाऊँगा तो वो मुझे हो सकता है कि उसके 1/10 या 1/20 में मिल जाए। तो अगर यूएसए में कोई बंदे को मुझे 100 रुपये देने पड़ रहे तो हो सकता है कि चाइना में मुझे किसी बंदे को 20-25 रुपये में सेम काम में करवा सकता हूँ। एंड दैट्स वाई जो यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ओके यूएस बेस्ड कंपनियाँ हैं, ओके उनके हेडक्वार्टर्स भले ही यूएसए में हो बट उनका मोस्ट प्रोबेबली वर्कफोर्स कहाँ पे होगा, अदर कंपनीज में होगा, चाइना हांगकॉन्ग इंडिया म्यांमार फिलीपींस। ओके क्यों? क्योंकि एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज है वहाँ पे आपको जो लेबर है वो काफ़ी सस्ता मिलेगा।
और इसका इससे क्या इफेक्ट होगा कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है यूएस कंपनीज का वो बढ़ जाएगा। ओके, अपने यहाँ जो भी कंपनीज है, इंफोसिस है, आईबीएम है, कॉग्निजेंट है, जो आईटी कंपनीज है, तो वो एक्चुअली अपना वो लोग यूएसए की कंपनीज अपना काम आउटसोर्स करवाती है कहाँ से, एशिया पैसिफिक की कंट्रीज से। अब क्या होगा, देखिए यूएस बेस्ड कंपनी है बट इनके सर्वर जो है, जूम का जो सर्वर है वो हो सकता है कि चाइना में या हांगकॉन्ग में कहीं पे के कोई सिटी में रखा हो। अब जब सर्वर यहाँ के कोई सिटी में रखा हो, चाइना या हांगकॉन्ग में, तो वहाँ पे जो नॉर्म्स होंगे वो किस कौन से फॉलो करने पड़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। और इसकी वजह से सारी जो कंट्रीज हैं उनको डर है कि भाई चाइना या हांगकॉन्ग अपना डेटा स्टील करके, ओके, चोरी करके अपने अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो देखिए लेबर की वजह से जो सस्ता लेबर इन कंट्रीज में मिल जाएगा, ओके, इन विच जूम कैन अवॉइड पेइंग यूएस वेजेस वाइल सेलिंग टू यूएस कस्टमर्स, दस इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट मार्जिन। हाउएवर, दिस अरेंजमेंट मे मेक जूम रिस्पॉन्सिव टू प्रेशर फ्रॉम चाइनीज अथॉरिटीज। ओके, एंड फ्यू कॉल्स मेड थ्रू द एप्लीकेशन आर रूटेड थ्रू सर्वर्स इन चाइना। चाइना का तो भरोसा नहीं है, वो कब आपका डेटा ब्रीच में इंक्लूड हो जाए वो हम कह नहीं सकते। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज एडवाइज्ड कि भाई आपको अगर जूम एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो यू नीड टू बी लिटिल बिट कॉशियस। ओके, चलिए, ओके। और एक जो एजेंसी है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, दैट इज पॉपुलरली नोन एज CERT IN, उन्होंने भी इसके ऑफिस मीटिंग के जो इसके यूजेस है उसको लेकर डाउट अपना पब्लिक किया था कि भाई जूम यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए, अब जो I4C की हमने बात की, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ओके, तो उसका बेसिक काम यही है कि भाई इंडिया में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं या साइबर स्पेस जो है, जो वर्चुअल स्पेस है, उसके ऊपर नजर रखना कि वहां पे कोई गलत काम नहीं हो रही हो, उसके जो यूजर्स है, ओके, करोड़ ऑफ यूजर्स है इंडिया में साइबर स्पेस में, हर कोई आजकल इंटरनेट यूज कर रहा है, तो वहां पे कोई यूजर को कोई दिक्कत ना हो, कोई इश्यू ना हो, उसका ध्यान रखना है। ओके, तो वो काम करेगी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, और उसके जो 7 कंपोनेंट्स है, ओके, वो आपको मैंने यहाँ पे दिए हुए, तो जस्ट एक बार उसको पढ़ लीजिए तो आपका आइडिया आ जाएगा कि वो कौन से फील्ड में काम करेगा। ओके, ये 7 उसके 7 कंपोनेंट्स है। ओके, एंड दिस इज रिलेटेड टू कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT IN। ओके, तो वो भी सेम ही काम करेगी, वो भी नोडल एजेंसी है जो हैकिंग और फिशिंग के ऊपर नजर रखेगी। ओके, अगर कोई ऐसा कोई ट्रोजन सॉफ्टवेयर आ जा रहा है, ठीक है, या वायरस जो आ जा रहा है जो एंड्रॉयड मोबाइल्स को या जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करेगा, ओके, हमको पता भी नहीं होगा और आपका डेटा स्टील हो रहा है, तो उसके ऊपर नजर रखने का काम किसका है, CERT.IN एंड I4C का। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज यूएस एंड WHO। ओके, वी ऑल नो अबाउट WHO, कि WHO क्या काम करते हैं। ओके, सो दिस इज दी बेसिक आइडिया। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये उसका सिंबल है। ओके, उसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948, 72 ईयर्स अगो, ओके, आफ्टर दी फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, WHO का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो ये यूनाइटेड नेशंस उसकी नोडल एजेंसी है, ओके, उसकी सुप्रीम एजेंसी है। ओके, उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिनीवा स्विट्जरलैंड। ओके, और उसके अभी के जो हेड है वो कौन है, टेड्रोस एधानोम। ओके, जो आजकल काफी आपको टीवी पे न्यूज में देखने को मिल रहे होंगे, हु इज दी डायरेक्टर जनरल। ओके, और सौम्या स्वामीनाथन जो है वो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है। ओके, चलिए, और ये उसके रीजन्स में, इतने रीजन्स में वर्ल्ड को WHO ने बांटा है, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक, और इंडिया कौन से ग्रुप में है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया बिलोंग करता है। ओके, और अगर WHO के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी वेबसाइट पे से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, आप उसकी वेबसाइट पे ज़्यादा जाके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं कि भाई WHO क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ओके, अब देखिए, WHO को US की तरफ से जो सालाना फंडिंग मिलती थी, एनुअल फंडिंग जो मिलती थी, उसको ट्रंप ने रोक दिया है।
ओके WHO USA ने रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? क्योंकि भाई USA को ऐसा लग रहा है कि COVID-19 का जो स्प्रेड हुआ वो नहीं होता अगर WHO ने अपनी जो ड्यूटी है उसको फुलफिल किया होता, उसको ठीक से फुलफिल किया होता। ओके, अपने को पता है कि चाइना में वुहान सिटी में ऑलरेडी दिसंबर, 8 दिसंबर में ही चाइना को पता लग गया था कि भाई ऐसा वायरस फैल रहा है। ओके, बट WHO ने उसको वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट नहीं किया। ओके, तो US का ये कहना है कि या तो आपने अपनी ड्यूटी बराबर नहीं की, या तो आपने चाइना के प्रेशर में आके इसको डिले कर दिया, जो आपको पब्लिक करनी चाहिए थी जो इन्फॉर्मेशन उसको आपने डिले कर दिया। ओके, एंड दैट्स वाई। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि USA सबसे ज़्यादा फंड देता था WHO को, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़, ओके, पर एनम। तो यूएसए का ये कहना था, इन विच कॉन्स्टिट्यूट द 15% ऑफ द टोटल फंडिंग ऑफ WHO। तो यूएसए का ये कहना है कि जब हम इससे इतना ज़्यादा आपको फंडिंग दे रहे हैं, ओके, आपका काम करने के लिए, और COVID-19 से सबसे ज़्यादा नुकसान जब हमें ही हुआ है, तो वाई शुड वी वेस्ट आवर मनी? ओके, तो इसलिए अब हम आज से आपको अपना फंड देना बंद कर रहे हैं। ओके, द यूएस इज अक्यूज्ड WHO फॉर फेलिंग टू कर्ब द अर्ली स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। ओके, अगर पहले ही पूरे सिर्फ चाइना को या सिर्फ वुहान को लॉकडाउन अगर कर दिया होता, ओके, तो इतने सारे देशों को लॉकडाउन वाले सिचुएशन में नहीं जाना पड़ता। ओके, इट हैज़ बीन क्लेम्ड बाई द यूएस। ओके, ये सारा जो आर्टिकल है वो बाई द यूएस के क्लेम के ऊपर बेस्ड है, वो आपको याद रखना है। इट हैज़ बीन क्लेम्ड बाई द यूएस दैट द आउटब्रेक कुड हैव बीन कंटेन्ड एट इट्स सोर्स एंड लाइव्स कुड हैव बीन सेव्ड इफ द यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एजेंसी विच इज WHO हैज डन अ बेटर जॉब। ओके, और एक अक्यूजेशन क्या लगाया गया है, WHO फॉर बीइंग अ चाइना सेंट्रिक। ओके, हैज एलिज्ड दैट द अर्लियर WHO हैज क्रिटिसाइज्ड यूएसएस बैन ऑन ट्रैवल फ्रॉम एंड टू चाइना। जब पहले यूएसए ने चाइना के ऊपर ट्रैवल बैन लगाया तो उसको WHO ने क्रिटिसाइज किया था कि भाई आपको चाइना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, बट आज हर देश को ऐसा करना पड़ रहा है। ओके, दिस कम्स व्हेन द ग्लोबल केसेस लोड अप्रोचेस 2 मिलियन। ऑलरेडी 20 लाख केसेस से ज़्यादा केसेस तो हो चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा डेथ हो चुकी है। ओके, और US अब धीरे धीरे उसका एपिसेंटर बनता जा रहा है। हावेवर, द US हैज मेड इट क्लियर दैट इट वुड कंटिन्यू टू एंगेज विद WHO इन परस्यूट ऑफ मीनिंगफुल रिफॉर्म। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अदर क्रिटिसिज्म क्या है, जब बहुत सारी कंट्रीज ने ट्रैवल बैन लगा दिया चाइना के ऊपर, ओके, तब उसको भी WHO ने क्रिटिसाइज किया था, ओके, कि भाई सारे कंट्रीज को ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमिटी अर्ज कंट्रीज टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, बोला गया था कि भाई प्रिपेयर रहो, बट डिड नॉट रिकमेंड एनी ट्रैवल और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। ओके, किसी भी प्रकार का ट्रैवल और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन रेकमेंड नहीं किया गया था, जबकि वो होना चाहिए था काफी पहले से। ओके, इंडिया की तरफ से देखिए, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ओके, तो इंडिया ने बोला, पूछा था WHO को कि भाई, और ये चिंता जताई थी कि भाई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजेक्शन इसका हो सकता है, तो उसको भी WHO ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ओके, तो देखिए, इंडियन साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजेक्शन हो सकता है, तब उसको WHO ने रिजेक्ट कर दिया था। ओके, अब देखिए क्या होगा, फॉर द WHO द लॉस ऑफ अबाउट 15% ऑफ इट्स टोटल फंडिंग इज बाउंड टू हैव एन इम्पैक्ट दी वर्ल्ड ओवर। पूरी दुनिया पे इसका असर होने वाला है। ओके, और इंडिया टोटल 1% जितना इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ओके, अब देखिए, WHO को जो फंड मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, तो जो वेरियस कंट्रीज है, जो उसके मेंबर्स है, UN के जो मेंबर्स है, ओके, फिलेंट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड मिलता है। ओके, एंड अदर UN ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो उसकी तरफ से जो फंड मिलता है, ओके, उसकी वजह से WHO का काम पूरी दुनिया में चल पाता है। ओके, वॉलेंटरी डोनेशन फ्रॉम मेंबर स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूट 35.41%। ओके, तो जो कंट्रीज जो
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो टोटल कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है 35.41%। असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन आर 15.66%। ओके, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस नंबर। ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग है WHO को कहाँ से फंड आता है एंड वो फंड कहाँ से कहाँ पे यूज होता है। ओके, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 1% ऑफ मेंबर स्टेट्स डोनेशन। ओके, तो जो मेंबर कंट्रीज उसमें डोनेशन देते हैं उसका 1% कौन डोनेट करता है? इंडिया डोनेट करता है। ओके, कंट्रीज डिसाइड हाउ मच दे पे एंड मे ऑल्सो चूज नॉट टू। तो अगर कंट्री को लगता है कि हमें पे करना है तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो नहीं कर सकते। बट जनरली जितना आप ज़्यादा फंड दोगे उतना आपका डिप्लोमेटिक जो पावर है वो पता चलेगा ग्लोबल लेवल। ओके, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ ऑल दी कंट्रीज अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, स्पेंडिंग कहाँ पे होगा? ओके, तो स्पेंडिंग डिसाइड होगा जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसका जो एनुअल मीटिंग होता है जिनीवा में, उसके बेस पे ये फंड स्पेंड होगा। ओके, इंडिया इज अ मेंबर स्टेट ऑफ द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ओके, सी द एनुअल प्रोग्राम ऑफ वर्क। ओके, इज पास्ड बाय WHO's डिसीजन मेकिंग बॉडी विच इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एवरी ईयर मीटिंग करेगी और डिसाइड करेगी वन काइंड ऑफ अ बजट। ओके, कि आने वाले साल में अपने को जो फंड आया है ओके उसको कहाँ कहाँ यूज करना है। इट इज हेल्ड एन्युअली इन जिनीवा। इट इज अटेंडेड बाई द डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द मेंबर स्टेट्स। ओके, एंड फोकस इज ऑन अ स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा प्रिपेयर्ड बाई द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। फंक्शंस टू डिटरमाइन WHO पॉलिसीज, अपॉइंट डायरेक्टर जनरल सुपरवाइज फिनेंशियल पॉलिसीज एंड रिव्यू एंड अप्रूव द प्रपोज्ड प्रोग्राम बजट। द डिसीजन ऑन विच कंट्री गेट्स हाउ मच डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन द कंट्रीज। ओके, देखिए जनरली WHO में या साउथ ईस्ट एशिया के जो गरीब कंट्रीज है वहाँ पे WHO का पैसा सबसे ज्यादा खर्च होता है। ओके, और द WHO's 13th जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क लेज डाउन ओके अनइक्वल डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज इन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेज एस्पेशली कम्युनिकेबल डिजीजेज इज अ कॉमन डेंजर। तो ये उसका बॉटम लाइन है कि जो अनइक्वल डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, और एक कंट्री में हेल्थ केयर काफ़ी अच्छी है और सामने दूसरे कंट्री में हेल्थ केयर है ही नहीं, तो इसकी वजह वो जो है दैट इज अ कॉमन डेंजर फॉर WHO। ओके, तो और उसके ऊपर WHO को काम करना है। ओके, और WHO का इंडिया में इन्वॉल्वमेंट क्या है? तो देखिए इंडिया इसका मेंबर कब बना, एक एज अ पार्टी कब ज्वाइन हुआ, 12th of January 1948। ओके, और जो एशिया पैसिफिक रीजन में साउथ ईस्ट एशिया का जो पहला फर्स्ट सेशन जो हुआ WHO रीजनल कमिटी का वो भी इंडिया में हुआ विच वॉज ऑन 4th and 5th October 1948। ओके, और देखिए WHO की गाइडलाइंस पे इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ओके, मिशन इंद्रधनुष द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसमें ऑलमोस्ट 12 जितने जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो डिजीज से इंडिया को फ्री करने है उसके लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। वन इज मिशन इंद्रधनुष एंड सेकेंड इज मिशन इंद्रधनुष 2.0। ओके, ट्यूबरक्यूलोसिस ओके टीबी हारेगा देश जीतेगा दैट इज द टैगलाइन। उसके अंदर में अपने को 2025 तक ओके टीबी को खत्म करना है, इंडिया को टीबी फ्री करना है। ओके, और जो लेप्रेसी और काला अजहर के जो डिजीजेज है उसके लिए भी WHO के गाइडलाइंस के ऊपर इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज NHRC ऑन पब्लिक राइट्स। व्हाट इज NHRC? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, चलिए पहले मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में आपको बता देता हूँ। सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th of October 1993। ओके, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 और उसको अमेंड किया गया 2006 में, अगेन उसको अमेंड किया गया 2019 में। ओके, द PHRA एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन राइट्स कमीशन एट द स्टेट लेवल। ओके,
इन लाइन विथ पेरिस प्रिंसिपल्स. ओके, पेरिस प्रिंसिपल्स क्या कहता है? तो पेरिस प्रिंसिपल्स वर अडॉप्टेड फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसका हमेशा प्रमोशन होना चाहिए और उसका प्रोटेक्शन हो जाए. दैट इज दैट शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंट्री. इन अक्टूबर 1991 में ये पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया एंड विच वर एंडोर्स्ड बाई द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1993. सॉरी, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस. ओके, और ये क्या काम करेंगे? द एनएचआरसी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियाज कंसर्न फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ओके, तो वो लाइफ, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. हर किसी दुनिया में जो रह रहा है इंसान, उसकी लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी का प्रोटेक्शन होना चाहिए. ओके, दैट इज द बेसिक सोल ऑफ पेरिस प्रिंसिपल, और उसके बेस पे इंडिया में एनएचआरसी बनाई गई है. ओके, अब देखिए एनएचआरसी का कंपोजिशन, क्या क्या मेंबर होंगे उसमें. तो इट्स अ मल्टी मेंबर बॉडी. ओके, जिसके एक चेयरमैन होंगे और फोर मेंबर्स होंगे. ओके, अ पर्सन हु हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द चेयरमैन. ओके, अब देखिए ये एक्चुअली पुराना कंपोजिशन है. ओके, आपको मुझे बताना है कि अभी जो 2019 में एनएचआरसी कंपोजिशन में जो अमेंडमेंट किया गया वो क्या है. ओके, तो वो आपका जो मैंने ये अंडरलाइन किया है, तो कंपोजिशन में और उनके टेन्योर में आपको फर्क देखने को मिलेगा. तो वो आपको अपने खुद से पढ़ना है, हमने क्लास में ऑलरेडी कवर किया है. ओके, ये चीज जो एनएचआरसी का कंपोजिशन जो चेंज हुआ था. ओके, सो दैट यू नीड टू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन. ओके, चलिए. और उसके अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सबके अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट. ओके, और प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करेगा? ओके, तो सिक्स मेंबर की कमिटी होगी जो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजेगी. अभी ये सिक्स मेंबर में कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होंगे उसके चेयरमैन. ओके, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ओके, लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस एंड द यूनियन होम मिनिस्टर. यूनियन होम मिनिस्टर, तो ये छह लोग जो होंगे वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द एनएचआरसी एंड मेंबर्स ऑफ द एनएचआरसी. और उनका टेन्योर क्या होगा वो ऑलरेडी देखिए लिखा हुआ है. थ्री इयर्स और द अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर. द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी मेंबर फ्रॉम द ऑफिस अंडर सम सर्कमस्टेंसेस. ओके, उनके बिहेवियरल बेसिस पे या कोई सर्कमस्टेंसेस अगर क्रिएट होते हैं ऐसे, ओके, तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं. अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए लॉकडाउन की सिचुएशन में आपने काफ़ी सारे वीडियोस जो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो देखे होंगे कि पुलिस काफ़ी इनह्यूमन तरीके से लोगों को ट्रीट कर रही है. देखिए लोगों को डंडे मारे जा रहे हैं, सजा हो रही है, फाइन भराया जा रहा है. सो उसके लिए एनएचआरसी ने बोला है कि जो गरीब इंसान जो है, ओके, या जो मेंटली इल जो रस्ते पे बैठा हुआ है इंसान जिसका कोई घर बार नहीं है, उसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए. और इसके लिए आपको एक एडवाइजरी सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को भेजनी चाहिए. अब देखिए यहाँ पे गलती किसी की नहीं है. ओके, जो माइग्रेंट्स है जब वो एक जगह से दूसरी जगह के लिए निकल रहे हैं, ओके, तो वो इसलिए निकल रहे हैं कि उनके पास करंट स्पेस जहाँ पे वो है, करंट लोकेशन पे, वहाँ पे उनके पास ना नौकरी है, ना खाना है, ना खाने के लिए पैसा है. ओके, अब पुलिस भी ऐसी सिचुएशन में, आपने देखा होगा कि पुलिस और मेडिकल स्टाफ जो है वही सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं. तो पुलिस अपनी 8 घंटे की ड्यूटी के सामने जब 12 घंटे, 16 घंटे, 20-20 घंटे जब काम कर रही है, क्यों काम कर रही है? ताकि लोग लॉकडाउन का पालन करें और COVID-19 ज़्यादा ना फैले. ओके, तो पुलिस देखिए प्यार से अगर समझाती है तो लोग मानने से रहे, तो इसीलिए पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा सख्त होना पड़ता है. और सख्त होने के लिए अगर कहीं कोई 10-15 लोगों को अगर डंडे पड़ते हुए तो देट इज़ जस्टिफाइड. बट एनएचआरसी ये बोल रहा है कि जो लोग हैं जो मेंटली इल है,
यार जो लोग जेन्युइनली पेन में है उनके ऊपर पुलिस अपना बल प्रयोग ना करे. ओके, द एनएचआरसी हैज आस्क्ड द सेंट्रल ट्यूशन एडवाइजरी टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू इम्प्लीमेंट द ऑनगोइंग लॉकडाउन विदाउट वायोलेटिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पब्लिक. देखिए इंडिया जैसे कंट्री में ये काफी पॉसिबल नहीं है. ओके, काफी ऐसे जो बेवकूफ से लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, भाई चलो कर्फ्यू लगा है तो ठीक से चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए हम निकल रहे हैं, या मस्ती करने के लिए निकल रहे हैं. अब उनको आप प्यार से नहीं समझा सकते, ठीक है, उनको आपको सख्ती से ही समझाना पड़ेगा. तो उनके ह्यूमन राइट्स की चिंता करने की अपने को जरूरत नहीं. ओके, तो कहीं ना कहीं एनएचआरसी जो इंडिया में जो है वो काफी इफेक्टिवली अपना पक्ष नहीं रख पाता है. ओके, क्योंकि एनएचआरसी जब ऐसे लोगों के ह्यूमन राइट्स की बात करता है तो वो सामने अथॉरिटीज के ह्यूमन राइट्स को भूल जाता है, पुलिस के या मेडिकल स्टाफ के ह्यूमन राइट्स को भूल जाता है. ओके, तो हमारा एनएचआरसी काफी बैलेंस्ड वे में ये काम नहीं कर पा रहा. ओके, इसीलिए इसको काफी सीरियसली नहीं लिया जाता बाय दी अथॉरिटीज. ओके, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द लॉकडाउन गाइडलाइंस द पब्लिक सर्वेंट समटाइम्स अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर tend to deal with people, especially the ill-informed poor laborers, in very harsh manner, undermining their rights. Okay, तो ऐसा ना हो इसी के लिए NHR से सोच रहे हैं कि भाई आपको एक एडवाइजरी इश्यू करनी चाहिए. ओके, हमने देखा है कि पुलिस हर जगह आपको डंडे नहीं मार रही और हर किसी को भी डंडे नहीं मार रही है. पुलिस डंडे उसी को मार रही है जो लग रहा है पुलिस को कि भाई ये गलत तरीके से घर से बाहर निकला है, इसको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं दे. ठीक है, अगर आप पुलिस को जेन्युइन रीजन दे रहे हो तो पुलिस आपको जाने देगी, इवन पुलिस आपको हेल्प भी करेगी. ओके, सो हर जगह पे सिचुएशन अलग है. हर जगह आपको देखा कि पुलिस फूल देकर या समझा कर लोगों को कन्विंस करने को ट्राई कर रही है, यू शुड बी इन होम एंड यू शुड नॉट गो आउट ऑफ होम. ओके, यू शुड फॉलो द लॉकडाउन. ओके, तो पुलिस काफी अच्छा काम भी अपने तरीके से कर रही है. ओके, चलिए, और ये उसका रोल एंड फंक्शन है. एनएचआरसी को सिविल कोर्ट के पावर दिए गए हैं. ओके, एनएचआरसी रेकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो दोज रेकमेंडेशन. ओके, अगर गवर्नमेंट को लगता है, ओके, इट्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इट्स रेकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंसर्न्ड गवर्नमेंट और अथॉरिटी. ओके, और देखिए और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट कैन लुक इन टू मैटर विद इन वन ईयर ऑफ इट्स अकरेंस. अगर मान लीजिए कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का कोई केस आता है तो एनएचआरसी उसकी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो सकती है विद इन दी वन ईयर ऑफ इट्स अकरेंस. ओके, आई द कमीशन नॉट इज नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इन टू एनी मैनर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच The act constituting violation of human rights is alleged to have been committed. Okay, तो एक साल के अंदर अंदर अगर वो इन्वॉल्व होना चाहे तो हो सकती है, एक साल के बाद. ओके, आफ्टर द एक्सपायरी डेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन नॉट इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन. इट हैज अ लिमिटेड रोल. ओके, काफी लिमिटेड रोल है. ओके, इट इज नॉट एम्पावर्ड टू एक्ट व्हेन ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस थ्रू प्राइवेट पार्टीज टेक प्लेस. ओके, तो ये चीज आपको खास याद रखनी है. नेक्स्ट आपका एक इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है एंड दैट इज रिलेटेड टू आईएमएफ. आईएमएफ ने एक रिपोर्ट इश्यू किया है, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट. ओके, तो ये जो ग्रेट लॉकडाउन है उसकी ग्लोबल लेवल पे क्या असर पड़ेगा वो इस रिपोर्ट में कहा गया है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट -3% का अपने को चेंज देखने को मिलेगा. इसका क्या मतलब है कि कॉन्ट्रेक्शन अपने को देखने को मिलेगा, नेगेटिव. ओके, जो कर्व है आपका जो इकोनॉमी का वो नेगेटिव जाता हुआ अपने को दिखेगा, -3% चेंज. ओके, विच इज मच वर्स देन 2008-2009 financial crisis. Okay, the world has been put in a great lockdown. Okay, और इंडिया में क्या, इंडिया को जो अपना
प्रोजेक्टेड जीडीपी है उसमें डिप ऑफ 1.9% देखने को मिलेगा इन 2020 और रीबाउंड टू 7.4 इन 2021। हम 2021 में वापस रिवाइव कर लेंगे अपनी इकोनॉमी को। देखिए ऑलरेडी जो काफ़ी सारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो ऑलरेडी बोल चुकी है कि इंडिया और चाइना जो जैसी इकोनॉमी है उनको ग्लोबल लॉकडाउन का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बट जो यूरोप है और यूएसए के जो कंट्रीज है उनको लॉकडाउन का काफ़ी वर्स्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके आपको सारे आंकड़े याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट जो रिपोर्ट में आपको बेसिक आंकड़े दिए गए थे वो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। ओके चलिए, और ग्लोबल जीडीपी पे क्या असर देखने को मिलेगा वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि फॉल एंड एडिशनल 3%, ओके दैट इज -3%, दैट इज कॉन्ट्रेक्शन। ओके तो वो ग्लोबल जीडीपी में अपने को देखने को मिलेगा। आईएमएफ क्या है, तो आईएमएफ बेसिकली क्या काम करेगी, ओके इट इज़ अ फॉस्टर ग्लोबल मॉनिटरी कॉपरेशन, सिक्योर फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको अच्छे तरीके से बढ़ाया जाए, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी। ओके क्रिएटेड इन 1945 द आईएमएफ इज अ गवर्न्ड बाय एंड अकाउंटेबल टू दी 189 कंट्रीज। ओके इंडिया जॉइंड आईएमएफ एंड बिकेम मेंबर ऑन 27 दिसंबर 1945। ओके पता ही है कि काफ़ी सारे जो कंट्रीज है उसको लोन देता है, इंडिया को काफ़ी सारे लोन आईएमएफ की तरफ से मिले हैं, मॉनिटरी हेल्प में देता है आईएमएफ एंड बेसिकली जो इकोनॉमी और ट्रेड के लिए आईएमएफ काम करेगा। ओके और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो रिपोर्ट है वो हर साल दो बार पब्लिश होगा बाई आईएमएफ। ओके और जनरली वो पब्लिश होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर। ओके अब अप्रैल के पहले एक प्री पब्लिकेशन आएगा जो आएगा आपका जनवरी में। ओके जहाँ पे आप मान सकते हो कि समरी दी होगी, ओके अपडेट। ओके और दूसरा ऐसा ही पब्लिकेशन आएगा जुलाई में। ओके दैट इज इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड फॉर मोर फ्रिक्वेंट फोरकास्ट अपडेट्स। ओके हर क्वार्टर के अपडेट के लिए ये और दो एक्स्ट्रा एडिशनल पब्लिकेशन डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के दिए जाते हैं बाय द आईएमएफ। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सहयोग एप्लीकेशन। ओके तो सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारी एजेंसी है उसने सहयोग एप्लीकेशन लॉन्च की है। ओके द सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड एन ई प्लेटफॉर्म that will collect geotagged information on the nation's critical infrastructure in order to help the government and public health agencies take critical decisions in response to the current COVID-19 pandemic situation. Okay, और उसके लिए mobile application launch की गई है जिसको नाम दिया गया है सहयोग। This help will collect location-specific data with the help of community workers. अब ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो काफ़ी सारे सर्वेस के साथ जॉइंट है। ओके इट इज़ अ नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ओके ऑफ द कंट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ओके विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1767 और उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, देहरादून उत्तराखंड। ओके द सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट्स एज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल सर्वे मैटर्स लाइक जियोडेसी, फोटोग्रामेट्री, मैपिंग एंड मैप रिप्रोडक्शन। ओके और जियोडेसी क्या है, इज द साइंस ऑफ एक्यूरेटली मेजरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अर्थ जियोमेट्रिक शेप, ओरिएंटेशन इन स्पेस एंड ग्रेविटी फील्ड। फोटोजियोमेट्री क्या है, फोटोग्रामेट्री इज द साइंस ऑफ मेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम फोटोग्राफ्स। ओके जैसे मान लीजिए सैटेलाइट से अगर कोई फोटोग्राफ लिए गए हैं ओके तो उसका एक्चुअल मेजरमेंट क्या है तो वो डिसाइड करेगा आपका फोटोग्रामेट्री। ओके जैसे आपको मैप दिया गया है ओके तो आपको अगर छोटा मैप दिया गया तो उसको नीचे लिखा होगा कि भाई सर्वे ऑफ
इंडिया की तरफ से इतना स्केल है इस मैप का, तो उस स्केल के हिसाब से आपको मैप दिया जाएगा विच रिजेंबल्स द एक्चुअल आपका जो मेजरमेंट होगा उसको. ओके, सो दिस इज योर सहयोग गैप एंड सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, आई होप दी ऑल दी टॉपिक्स आर नाउ क्लियर. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. जो चीज़ें आपको फाइंड करने के लिए बोलिए खुद से, वो भी खुद फाइंड करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू.